धमपद गाथा कथा नंबर 15-16 यमक वग। ये कहानी चुंद सुकरिक की है। चुंद सुकरिक सुकर जो होते हैं, सुकर को काटने वाले को सुकरिक पाली में बोला जाता है। चुंद उसका नाम है, यानी कि चुंद सुअर को काटने वाला या सुअर का व्यापार करने वाला एक व्यक्ति है। उस समय मांस का बहुत ज़्यादा चलन था, इसीलिए भगवान बुद्ध ने जो अपने 5 परसेप्ट दिए हैं, जो 5 शील दिए हैं, 5 सील हैं, उन 5 सील में एक प्राणाती पाता वीरमणि का भी सील है। अगर वो ऐसा कहते हैं कि अकारण हत्या नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब यह है कि अकारण हत्या यानी हत्याएं वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और वो नुकसान पहुँचाती हैं। उन्हें विपसना साधना में ऐसा ज्ञान प्राप्त करते समय देखा कि इनका नुकसान क्या होता है, वो क्या नुकसान होता है वही इस गाथा में बताने का उन्होंने प्रयास किया है। जो चुंद सुकरिक है उसकी आजीविका है, यानी कि उसके कमाई का साधन है मांस बेचना, और वो सुअर काटता है और सुअर को बेचता है, सुअर को काटता है, सुअर को बेचता है। एक बात तो ये तय हो जाती है कि पुराने समय में भारत में सुअर कट रहे हैं और बिक रहे हैं, यानी कि भारत के अंदर सुअर का मांस बिकता है और खरीदा जाता है, और भी जानवर वो काटता होगा। तो जब वो सुअर काट रहा और बेच रहा है तो धीरे धीरे उसकी जो शक्ल है, यानी जो उसका चेहरा है और उसके जो आंखें हैं और जो उसका व्यवहार है, वो लगभग जानवरों सा ही होता जा रहा है, और धीरे धीरे उसकी सुख और शांति खत्म होती जा रही है। जैसे उसके शरीर का चढ़ाव एक साथ उतरता है और ढलाव आना शुरू होता है, वैसे वैसे उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ती जाती है और वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है, मोह मूर्ता वाला, और बहुत ज़्यादा उसके शरीर से बीमारियां निकलने शुरू हो जाती हैं और वो मानसिक असंतुलन खो बैठता है और बड़ा तड़प तड़प के बहुत बुरी तरह से वो मरता है। ना तो उसका शरीर सुख में है क्योंकि उसमें बीमारियां हैं, और ना ही उसका परलोक, यानी लोक शरीर को बोलते हैं, लोक में बीमारियां लग गई, और परलोक का मतलब है कि उसकी मन की जो स्थिति है वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। इस स्थिति को भिक्खुओं ने जब भगवान बुद्ध को बताया तो उन्होंने उनसे कुछ कहा कि ऐसा क्यों है बताइए। तब भगवान बुद्ध ने ये 2 बातें कहीं जो दोनों का मतलब सेम है। वो कहते हैं, इद सोचती पेच सोचती पापकारी उभयत सोचती सो सोचती सो विहयति दिस्सा कम किलिट मत्तनो। ये गाथा नंबर 15 है। इसमें जो पहला सेंटेंस है, इद सोचती पेच सोचती, सोच में पड़ गया। आपने कहते अरे सोच में पड़ गए, सोच शब्द पुराना है। अभी तो हम सोच को अंग्रेजी के थिंकिंग वर्ड से कंपेयर करते हैं कि थिंकिंग का मतलब सोचना होता है, थॉट्स हो गए, सोचना हो गया, मगर सोचने का मतलब पाली में या हिंदी में ऐसा नहीं है। सोचने को हम मंथन बोलते हैं कि मंथन कर रहा है, मन का मंथन चल रहा है। सोचने का मतलब है शोक में पड़ना, दुख में पड़ना। तो इद सोचती पेच सोचती, पेच का मतलब है पर है, यानी कि परलोक में, इद का मतलब है इधर। तो वो कहते हैं कि इधर भी दुख में पड़ता है अगर जानवर काटता है, यानी कि शरीर के अंदर, शरीर में भी उसका प्रभाव पड़ता है, शोक में रहता है। जानवर काट के कभी किसी को सुख नहीं मिला आज तक दुनिया के अंदर, हत्या करके जीवन में कभी किसी को सुख नहीं मिला, चाहे किसी की हत्या कर दे, चाहे कहे कि दुश्मन की हत्या कर दी, चाहे बॉर्डर पर हत्या करे, चाहे अंदर करे, चाहे जानवर की करे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हत्या करके कभी हत्या करने वाले को सुख नहीं मिल सकता। आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो भगवान बुद्ध ने अपनी बोध ज्ञान से प्राप्त किया। तो कहते हैं कि शरीर के अंदर भी वो उसको शोक होगा और शरीर के बाहर यानी कि मन में भी उसको शोक होगा, दुख होगा। पापकारी उभयत सोचती, जो पाप कर्म करता है, पाप करने वाला होता है, उभयत माने उभयतत, उभय माने 2 होता है, उभयचर होता ना, जैसे उभयचर का मतलब है जो पानी में भी रहे और जमीन पर भी रहे, ऐसे ही 2, उभय माने 2 होता है। उभयत सोचती यानी कि वो दोनों तरफ से शोक में रहता है, दुख में रहता है, यानी कि अंदर से भी और शरीर पर बीमारियां भी आती हैं। सो सोचती सो विहयति, यानी कि वह शोक में रहता है
और वियती का मतलब है नष्ट भी होता है, यानी कि जब बीमारी आएंगी तो उसका मन और उसका शरीर नष्ट भी होगा, यानी कि वो सोचता दुख में भी रहता है और बीमारियां भी उसे नष्ट करती रहती हैं। दिस्सा कम किली क्लिट मतनो, दिस्सा माने होता है देखकर, यानी देखकर, कम कम माने होता है काम, और किली माने होता है हार या पाप का काम, यानी जो पाप कर्म को देखकर मत्तनो, मत्तनो माने होता है उसकी मात्रा देखकर दुख में पड़ा रहता है, यानी कि वो अपने पाप कर्मों को देखकर अपने दुख में पड़ा रहता है और उसको दुख ही दुख चारों तरफ मिलता है। इसके उलट वो कहते हैं दूसरी गाथा में, इद मोदती पेच मोदती कत पुयो उभयत मोदती सो मोदती सो पमोदती दिस्सा कम विशुद्धि मत्तनो। वो कहते हैं कि इधर भी मोद, मोद माने होता है खुश रहना। पाली भाषा के अंदर भगवान बुद्ध अनंत मुदिता में रहते थे। अनंत मुदिता का मतलब है कि वो कभी दांत फाड़ कर नहीं हंसेंगे, कभी ठा के लगा के नहीं हंसेंगे, मगर उनके शरीर से प्रसन्नता अनंत आएगी। यानी शरीर से आप देखेंगे तो लगेगा कि अनंत प्रसन्नता है, मगर प्रसन्नता का बोध नहीं होगा, पूरा शरीर प्रसन्न रहता है, उसको बोलते हैं मोद। और वो जो उनकी अनंत मुदिता थी वो उनका एक गुण होता है, बौद्धों का जो बुद्ध बनते हैं बुद्धों का ये गुण है कि उनको अनंत खुशी मिलती है, अनंत मुदिता मिलती है, अनंत सुख मिलता है। तो वो कहते हैं कि इद मोदती, यानी कि इधर भी मोती रहेगा, शरीर के अंदर भी खुश रहेगा, पेच मोती शरीर के बाहर यानी परलोक के अंदर भी खुश रहेगा, कत पुण्यो उभयत मोती, कत पुण्य कत माने करने वाला और पुण्य माने पुण्य कर्म, यानी कि पुण्य अच्छे कर्म करने वाला उभयत मोती दोनों तरफ से खुश रहेगा, अंदर से मन भी प्रसन्न रहेगा और शरीर भी बिल्कुल खिलेगा। सो मोदती सो पमोती, वह खुश रहेगा और वो पमोती का मतलब है प्रमाद में रहेगा, प्रमोद में रहेगा और मोद में रहेगा, यानी दोनों तरफ का खुश रहेगा, परे भी और इधर भी। दिस्सा कम विशुद्धि मत्तनो, ऐसा देखकर जो काम करता है विशुद्ध काम करता है वो अपनी माता देखकर हमेशा खुश रहता है, ऐसा वो बताते हैं उस सुकरिक चुंद के परिणाम को देखकर ऐसा बताते हैं। ऐसा इसलिए होता है, आपने देखा होगा अगर आप विपसना करते हैं या ना भी अगर विपसना करते हैं, तो अगर आप घर में कोई अच्छा काम करते हैं, कोई ऐसा काम जो सबको अच्छा लगे, तो आपका मन शांत रहता है, आपको लगता है आपने आज कुछ किया है, अंदर से भी आपका रहेगा, इधर से भी, और पेच यानी कि उसके परे भी आपका खुश रहेगा, वो खुशी की जो लहर है वो चारों तरफ दौड़ेगी, आपका परिवार बहुत सुख शांति में रहेगा। और अगर आप कोई पाप कर्म करेंगे तो ना आप अंदर से खुश रहेंगे ना आपका शरीर खुश रहेगा, दोनों तरफ बीमार हो जाएंगे और आपके परिवार पर भी इसका फर्क पड़ेगा, ऐसा उन्होंने देखा तब उन्होंने ऐसा बताया। और ये धम्म पद की गाथा नंबर 15-16। धन्यवाद।